धन्यवाद स्पीकर सर। वैसे तो मैं भारत देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक की ओर ले जाने वाला बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने खड़ी हुई हूँ, लेकिन खेल बजट के किए गए प्रोत्साहन को खेल मंत्री किरण रिजिजू जो भी 5 साल में आगे ले जाएंगे उनका भी हम सहयोग करेंगे। वैसे तो आज तक मैं 10 साल तक सूरत से रिप्रेजेंट करती हूँ तो ज्यादातर कनेक्टिविटी के लिए बोली, इकोनॉमी के लिए बोली, डायमंड के लिए बोली, टेक्सटाइल के लिए बोली, लेकिन स्पोर्ट्स में जो ये चर्चा रखी गई है और ये समय भी ऐसा है कि काफी बच्चे लोग भी यहाँ देखने आते हैं, तो पहले तो अध्यक्ष ने जो ये समय पसंद किया है और हम लोगों ने जो चर्चा में खेल कूद को जो प्राधान्य दिया है, तो मेरा देश बदल रहा है और मेरा सूरत भी बदल रहा है। उसके जो डायमंड यहाँ पे है उसके बारे में थोड़ी बात बताना चाहूंगी। वैसे तो 65% वाले युवा वाले देश में फिटनेस के लिए नरेंद्र भाई ने योग थ्रू अपनी फिटनेस के बारे में और युवाओं के प्रति बहुत आकर्षण पैदा भी किया है और वो लोग फॉलो भी करते हैं। जैसे मुझे 100 में से 75 वोट जो बीजेपी को मिले हैं इसमें ज्यादातर युवा और महिला है, तो मेरी भी फर्ज बनती है कि जो उन्होंने जो सिद्धि हासिल की है, वैसे मंत्रालय के बारे में जो भी बात यहाँ बताई, पूर्व मंत्री सिंह ने भी बताई, किरण रिजिजू जी अब नए मंत्री बने हैं, फिजिकली फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत उनको अच्छा भी लगता है क्योंकि आधा घंटा सुबह में योग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, अरुणाचल में साइकिलिंग के लिए सलमान खान को भी ले आते हैं, और जब अहमदाबाद गए थे तो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चों के साथ उन्होंने खाना भी खा लिया था और बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया था उन्होंने। और जब से मंत्रालय उन्होंने संभाला है जो जो खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए वो काफी प्रयत्न भी करते हैं। जो पीयूष जी ने इंटरिम बजट में इंडिया खेलो स्कीम के लिए जो 2002 करोड़ आवंटन किए थे, ये बजट को निर्मला जी ने बढ़ा के 214 करोड़ बढ़ा के 2216 करोड़ कर दिया है। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रही हूँ कि जो भी हमारे लिए जो आयोजन किया गया है पूरे 5 साल में उनको मंत्री जी द्वारा हम सबके साथ में मिलके वो आगे ले जाएंगे। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बजट 55 करोड़ से बढ़ा के 450 करोड़ कर दिया है, जिसे नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी नेशनल कैंप इक्विपमेंट प्रोवाइड करके दूसरी लॉजिस्टिक जरूरतों को भी पूरा कर सकेंगे। खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ बढ़ा के 550 से 601 करोड़ कर दिया है। जिस NSDF की बात हो रही थी वो 2 करोड़ से बढ़ा के 70 करोड़ कर दिया है। इंसेंटिव फंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी 63 करोड़ से 89 करोड़ कर दिया है। स्पोर्ट पर्सन के लिए अवार्ड और एनकरेजमेंट के लिए भी 94 करोड़ का बढ़ावा करके 316 में से 411 करोड़ कर दिया है। मैं इसलिए ये आंकड़े बता रही हूँ कि योग्य समय पे योग्य उनको अगर बढ़ावा मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए तो उनको काफी जोश आता है। गत 5 सालों में खेल नीति के कारण खेल महाकुंभ जब नरेंद्र भाई ने गुजरात में शुरू किया था उसका एक ही एग्जाम्पल मैं अच्छे से दूंगी, जिसकी बात मैं करने वाली हूँ, गोल्डन गर्ल सरिता जो गायकवाड़ डांग के पछाड़ जिले में आदिवासी क्षेत्र में रहती है और नंगे पांव वो ट्रैक पे दौड़ती थी, लेकिन खेलो इंडिया के प्रोत्साहन के बाद और उनको जब से प्रोत्साहन मिला राज्य सरकार ने भी किया, तो ये आदिवासी क्षेत्र की सरिता ने यूरोप एथलेटिक मीट में 400 मीटर रन में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। और अभी 7 जुलाई को जब प्रमोशन के बाद सूरत नर्मद गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, और उसके बाद 7 जुलाई 2019 को उसने एशियन गेम में फिर से गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो ये जो तफावत हुआ, ये जो डिफरेंस हुआ, उसके कारण उनका उत्साह भी बहुत बढ़ा। इसी तरह हरमीत देसाई ने 2018 में ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में अपना गोल्ड मेडल हासिल किया। वैसे तो सूरत इकोनॉमी शहर है, वहां सब बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए जो जागरूकता बढ़ी है, और उसके साथ में एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि ये लोग सरकार के जो भी और कार्यक्रम है उसमें भी अपने आप को जोड़ लेते हैं। जैसे दक्षिण एशिया में ट्राइक्लोन में पूजा चौरसिया ने अपना नाम करके बहुत सारे मेडल लिए हैं, वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है और वो खेल के साथ में सफाई का भी काम करती है। मैं दो ही बात रखूंगी, अभी एवरेस्ट सर करने के लिए हमारी दो बहनें अदिति और अनुजा वैद्य जब हिमालय पे गई तो उनको एनकरेज
करने के लिए भी राज्य सरकार ने बहुत सारा उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ में अजिता इटालिया ने जिस पीटी वैली सर की साइकिलिंग के ऊपर, बाइकिंग के ऊपर सब महिलाएं निकल के, यहां भी गुजरात से निकल के दिल्ली आई थी, ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम रही है, और उसके साथ में कोर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी जोड़ लेती है, तो ये काफी संदेश भी जाता है। दिव्यांग ओलंपिक में भी हमारे यहां से बच्चे भाग लेते हैं। तो सूरत में एक इंडोर स्टेडियम है जहां ब्रिजभूषण भाई साहब आए थे, जो नेशनल कक्षा की कुश्ती और ओलंपिक का आयोजन भी वहां, कुश्ती का ओलंपिक कक्षा की कुश्ती का आयोजन होता है जिसमें महिला कुश्ती होती है और उसके साथ साथ में वेट लिफ्टिंग भी होता है। तो मेरे माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं, क्योंकि सूरत जो बड़ा शहर है, 60 लाख की पॉपुलेशन है, तो वहां खेलकूद के लिए ज्यादा मैदान नहीं है, तो इंडोर गेम्स को बढ़ावा देने के लिए एक स्पोर्ट्स सेंटर भी मिल जाए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे मणिपुर के बाद में बड़ोड़ा में एक यूनिवर्सिटी भी हमें मिली है गुजरात में, तो यूनिवर्सिटी तो गुजरात को मिल गई है, लेकिन एक स्पोर्ट्स सेंटर जो चार आदिवासी क्षेत्र को कवर करता है, जैसे डांग, नवसारी, भरूच, सूरत, और जो आदिवासी क्षेत्र के माध्यम से जो बच्चे वहां आना चाहे, तो उसके लिए मेरी आपसे विनती है, मैं खेल मंत्री जी को एक बार सूरत के लिए भी आमंत्रित भी करती हूं, और जिस तरीके से कैच देम इन यंग खिलाड़ियों को शुरुआत से ही प्रोत्साहित करके उनको आगे ले जाने के लिए जो सरकार ने नीतियां बनाई है, उसी नीति को आगे ले जाके मैं समझती हूं कि अपनी जो अभी ओलंपिक 2020 में आने वाले हैं, इसमें बहुत सारी प्रतिभा मेडल लेके अपना भारत का अंतर्राष्ट्रीय नाम रोशन करेगी। धन्यवाद। थैंक यू।